नमस्कार, सैटेलाइट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल राणा। आज की खास खबर, सूबे का सच, क्या यही योगी राज है? यूपी महाराजगंज यूपी में पूर्ण बहुमत वाले भगवाधारी योगी राज है, जिसने कहा था यूपी में अब रामराज कायम होगा। वर्ष भर बीतने को है, ना कहीं रामराज है ना भ्रष्टाचार पर लगाम है। जमीनी सुविधाएं हमेशा की तरह इस सरकार में भी नदारद है। जनपद के अंतिम छोर से लेकर जिला मुख्यालय तक इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना की हवा चल रही है। अपने पराये की भेद में प्रधान से प्रधानमंत्री आवास योजना के जिम्मेदार तक काट छाट में लगे हैं, और इन सब में जो मुख्य वह आवास के पीछे 20,000 रुपए पर अपात्र को पात्र बना देना और रुपयों के अभाव वाले असहाय व पात्र को अपात्र घोषित कर देना। पिछले चाहे सपा की सरकार रही हो या बसपा की या फिर आज की योगी की, हर सरकार में आवास योजनाओं में जमकर घुसखोरी हुई। आज भी बदसूरत जारी है। वह ऐसा कि जिस किसी ने भी मुंह खोला उसकी अन्य किसी तक रोक दी जाती है, या किसी ने बड़े अफसर से शिकायत किया तो कानून नियमों का हवाला देकर अपात्र घोषित कर दिया जाता है। ये तो अभी कुछ नहीं है, न्यूज के हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें लगी है जिसने सरकारी तंत्र की पोल खोल कर रख दी है। जहाँ आवास का पैसा मिला वही बिचौले द्वारा निकाल लिया गया है, और अब रिकवरी का नोटिस उन भूखे नंगे लोगों को मिल रहा है जिन्हें मालूम ही नहीं कि उनके आवास का धन मिल चुका है, और पूर्व प्रधान से लेकर वर्तमान अफसर ही डकार लिए हैं। आप खुद सुनिए बेदर्द सरकारों की तानाशाही वाली दर्द भरी दरखास्त के न्यूज के साथ उन अनसुनी आवाजों को जिसने सरकार सिस्टम और रामराज का कायाकल्प खोल कर रख दिया, जिसने बेसहारों की आवाज बिना सिस्टम को सकते में डाल दिया, जिसने बता दिया कि यही योगी राज है। प्रधान के द्वारा आवास मिला था क्या? हाँ। कई किस्त मिला था? एक किस्त मिला था। कितना पैसा मिला था? 35,000। 35,000 में कोई और लिया था? हाँ, 5,000 प्रधान लिए। 5,000 यानी 30,000, 30,000 आपको मिला था? 30,000 मिला था। तो 30,000 में आप ये अपना इतना ऊंचा दीवार चलवा लिया? हाँ, 30,000 में दीवार चलवाया है, और घट गया तो खेत रेहन धकड़ के दीवार पूरा किए हैं। धन प्रतिनिधि हूँ, मेरा नाम शंभू है, और ग्राम प्रधान परमदेही हमारा माता है, और जो भी देखभाल कार्य भार होता है वो हम अपना ही ऊपर लेकर चलता हूँ। ये जो मकान है बना, हाँ, ये पहले किस्त में ही केवल बना है इतना ऊंचा? ये पहला किस्त में बना हुआ था। ये जो 70,000 का बजट था जिसमें 35 निकला आवास का पैसा, और जिसमें 10,000 रुपया ग्राम प्रधान ने ले लिया, पूर्व प्रधान जो जनार्दन को लड़का पुत्र दिनेश 10,000 ले लिया, और 25,000 में इतना काम किए हैं। सर जहां आप के पहला किस्त में इतना ऊंचा दीवार चलल बा? हाँ। एकरे बाद एको किस्त नहीं मिलल? नहीं, पहला नोटिस भी आपके पास आइल बा का? हाँ। कौन नोटिस आ चुकल? 4-5 गो बा। कितना पैसा आपके मिलल है पहला किस्त में? 30-35,000 मिलल है, तो 10,000 प्रधान ले लिए ना। अच्छा। 25,000 कौन प्रधान ले ना? नौका पुरन का? पुरन का नाम है उनकर? का नाम है प्रधान के? दिनेश।